सर्विस के यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स, जिनको हम आलू मटर चिकन के कबाब भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू, जो हमने काट कर बॉईल कर लिए हैं। साथ ही हमने 2 चिकन ब्रेस्ट, जिनका वज़न 1 किलो हो जाता है, वो पूरे साबुत ही बॉईल कर लिए हैं। हमने कुछ कटवाया नहीं है, इनको साबुत ही बॉईल कर लिए हैं आलू के साथ ही। आलू हम छीलना शुरू कर दिए हैं और साथ ही हमने 1 कप मटर भी उबाल लिए थे। और आलू हमने छील लिए हैं और अब हमने लिए है इसमें कुछ 2 दरमियानी प्याज, इस पर छिलका लगा रह गया, मैं उतार देती हूँ। और मैंने ली है 4 हरी मिर्चें, लेकिन अगर ये तेज़ हुई तो मैं 2 ही डालूँगी। 1 गड्ढी धनिए की ली है ताज़े। और मसाले मैं आपको बता दूँ, 1 मैंने हसबे ज़ायका नमक लिया है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून चाट मसाला। अब आपको मुन्ने मियाँ नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत देर से वीडियो गेम खेल रहे थे, तो मैंने कहा जब हाथों से वीडियो गेम खेल सकते हैं तो उबले आलू भी मैश कर सकते हैं। वो मुन्ने मियाँ को वैसे ही काम पसंद है, क्योंकि मुन्ने मियाँ माशाल्लाह से है ना, मुन्ने मियाँ पसंद है ना, गुड करो करो, शाबाश करो, मेरा माशाल्लाह, मेरा अच्छा बच्चा। अच्छा अब हम ख़ुद भी कर लेते हैं, क्योंकि मुन्ने मियाँ बहरहाल मुन्ने मियाँ हैं, गलती हो ही जाती है। आलू के टुकड़े उन्होंने छोड़ दिए थे, तो मैं इसको ख़ुद मैश कर रही हूँ। अब हम आ जाएंगे देसी स्टाइल पे, हमने किया इसको हाथों से अच्छी तरह मैश और मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चिकन को सारा, बहुत उबली हुई चिकन थी तो आराम से रेशा रेशा कर दिया हमने, किसी मशीन की चॉपर की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैश हो जाती है जब हम आलू मटर चिकन को साथ ही बॉयल कर लें। अब जल्दी जल्दी इसको मैश कर लें हाथों से, चूँकि चिकन बहुत नरम है तो आराम से मैश हो जाती है। जल्दी जल्दी कर ले, हड्डी वड्डी कोई आ जाए तो निकाल दे, वैसे ब्रेस्ट पीस में सिंगल हड्डी होती है, आसानी से अलग हो जाती है। और कोई और हम चिकन का पार्ट लेंगे तो फिर उसमें बारीक हड्डियाँ आ जाती हैं। अच्छा प्याज को इस तरह से लें, 1 कट लगाएँ, अब इसमें इस तरफ से दूसरा कट लगाएं। अब जब इसको काटेंगे ना, देखिए छोटे छोटे क्यूब्स खुद ही कट जाएंगे, ज़्यादा बारीक चौक हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आनी चाहिए हम सबको, कभी मशीन ना हो तो हम कैसे कटिंग करें। अच्छा मैं धनिया हाथ से काट के डाल रही हूँ, मैंने 1 गड्ढी धनिया लिया था, आपको ज़्यादा बारीक पसंद है या आपके बच्चे निकाल देते हैं तो फिर आप चॉपर से कर लें। मुझे तो खैर मोटा पसंद है और मुझे खड़े मसाले के कबाब पसंद है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर आप मशीन से करना चाहें, अपने हाथ वगैरह अच्छे से साफ़ कर लें। मसाला वगैरह देर तक हाथों पे नहीं लगा रहना चाहिए, वरना मिर्चें लगती हैं। अच्छा मिर्चें भी हमने ली थी 4 अदद, लेकिन वो मिर्चें हमारी बहुत तेज़ है ना, तो मैं फिर ऐसा कर रही हूँ कि मैं 2 ही मिर्चें लेती हूँ, ताकि फिर ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ हो जाए। और मिर्चों का ये है कि इसको बारीक चॉप कर लें, चाहे तो मशीन से कर लें, चाहे तो हाथ से कर लें। अच्छा मिर्चें काटते वक्त बहुत सी बच्चों को, खवातीन को मिर्चों को काटने से प्रॉब्लम होती है, टिप एक और बता रही हूँ। तो आप ऐसा करें कि मिर्चें काटने से पहले आप अगर कुकिंग ऑयल या ये जो नारियल का तेल होता है ना, तो ये आप अपने हाथों पर मल लें तो फिर आपको मिर्चें नहीं लगती। अच्छा मिर्ची काटने का, अब बारीक चॉप करने का एक मैं आसान तरीका भी आपको बताती हूँ। ये वाली तो खैर कट गई, पूरी हो गई, अब देखिए मैं दूसरी बताती हूँ। देखिए दूसरी जब मिर्च मैं लूँगी ना, तो उसको पहले एक लंबा सा कट लगाऊंगी आखिर तक, अब प्लस के निशान की तरह दूसरी तरफ से दूसरा कट लगाऊंगी आखिर तक। ये देखिए पूल की तरह खिल गई ना, अब इन 4 टुकड़ों को पकड़ें और बारीक बारीक काट लें। इस तरह ये होता है कि आपको चॉपिंग बोर्ड की मशीन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, हरी मिर्च धनिया प्याज और तमाम चीज़ों का, जल्दी जल्दी इसको हाथों से मिक्स करें, कहीं आलू का टुकड़ा है तो मसल दें, कहीं मुर्गी की हड्डी है तो निकाल दें, और कहीं कोई मिर्च वगैरह का टुकड़ा है बड़ा तो हटा दें। अच्छा अगर मिर्चें कम लगी तो आप कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब हाथों से इसकी गोलियाँ बनाएं, और कबाबों का स्टैंडर्ड साइज़ बनाने के लिए जितना जितना कीमा या मसाला आपके हाथ में आता है उसकी टिकिया बनाएं। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे कबाब रेडी हो गए, और तकरीबन 1 किलो आलू 1 किलो मुर्गी में तकरीबन 40-50 कबाब आराम से रेडी हो जाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, अफ्तार के, सहरी के, हाइटी मेहमानदारी सबके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छे टेस्ट के, इनको आप बनाइए घर में। अच्छा घर के अंदर बच्चियां हैं, जैसे मेरी बेटी, ये भी बहुत देर से गेम खेल रही थी, ये भी पकड़ में आ गई, तो मैंने इनको
लगाया है कबाबों को फ्रीज़ करने के लिए। इसे फ्रीज़ करने के लिए हमारे ये हमने कबाबों की ट्रे बनाई है। देखिए हमारे हमारे सबके घरों में पराठे आते हैं तो उसके बीच में प्लास्टिक की लेयर होती है ना, वो प्लास्टिक आप संभाल के रखिए, वो काम की होती है। इस तरह से कबाबों की लेयर बनाए, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रखें। ये जो गंदी संदी थैलियाँ होती है ना, ये मत यूज़ किया करें, ये फूड बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, फूड ग्रेडेड नहीं होती। ये जो प्लास्टिक शीट्स होती है बड़े काम की, इनको लगाएं, बच्चों से काम कराएं, उनको बताएं मेहनत में अजमत है, बेकार के गेम्स और वीडियो गेम्स से जान छुड़ाएं उनकी, और ताकि वो काम का तरीका सीखें। इस तरह उनको ढक दें और ढक के फ्रीजर में रख दें। ऐसे फूड सर्विस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।